टाइम हो रहा है 11:50 एंड डेट है 26 जुलाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अभिषेक सिंह, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। इट्स डे 4 ऑफ आर 30 डेज 30 व्लॉग चैलेंज। वैसे तो मैं सुबह 10 बजे सो के उठ गया था, फिर उसके बाद मैं फ्रेशन अप हुआ एंड आया, फिर मेरे को आज पूजा करनी थी। आज वेंसडे है, सो वेंसडे को मेरे को गणपति जी की पूजा करनी थी अपने खुद के घर पे। यहाँ पे मैंने गणपति जी बैठा रखे हैं तो उनकी पूरी अच्छे से पूजा करनी होती है। सो वो करते करते अभी जाके मैं फ्री हुआ हूँ। एंड एक बार आप लोग भी देखो कितने सुंदर एंड कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इनको अच्छे से आज पूरा नहला धुला के, पूरा अच्छे से श्रृंगार विंगार सिंदूर विंदूर लगा के पूरा करके फिर बैठाया वापस से, सारी पूजा करी है। जस्ट अभी अभी पूजा करके मैं फ्री हुआ हूँ एंड अब जा रहा हूँ मैं मंदिर। मंदिर जाके हमारे प्रिय भोलेनाथ जी को भी जल चढ़ा के आ जाऊँ। इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, भगवान फल दे दो, डेली व्लॉग को कुछ तो अच्छा कर दो। मैं मंदिर से भी पूजा करके आ गया, 12:20 टाइम हो रहा है। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, रुको, बीबी सो रही है। कोई बात नहीं, बेचारी ने कल बहुत सारा काम करा है। सुबह 4:30 हम लोग सोए हैं काम वाम करके फ्री होकर। मुझे तो पूजा करनी थी इसलिए जल्दी उठना पड़ा, लेकिन वो अभी सो रही है तो उसको थोड़ी देर सोने देता हूँ, क्योंकि थक जाती है बेचारी, बहुत सारा काम करा है ना कल। तो कोई बात नहीं, मैं भी वैसे अभी खा के जिम जाके आके सोना ही है, मुझे भी 2 घंटे। A few moments later. गाइस 1:30 बज चुकी है एंड ये अभी तक सो रही है, पता नहीं कब उठेगी, कितना सोएगी। मुझे लगा थोड़ा ही सोएगी, चलो काम करा, लेकिन ये तो सोए पड़ी, उठी नहीं रही। पिलेटी साठ देखो अभी तक नहीं उठ रही, इतना चिल्लाना। नौटंकी देखो इसकी कितनी आ रही है। हाँ ये देखो अब उठी, उठी 1:30 बज गई, उठ जा। तो यार मेरे उठने से घड़ी नहीं चल रही क्या? बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज। तो उठ उठ उठ, चल 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 चल, उठ जा, उठ के जाके नहा दो, फ्रेश फ्रेश हो, अपना काम धाम करो, जिससे कि जहाँ से यहाँ से जगह छोड़ोगी तब मैं सो पाऊंगा ना। नहीं नहीं उठो उठो, नहीं जाओ 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 जाओ। गाइज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग भी मेरी तरह ही आलसी हैं जो दोपहर में सो जाते हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में। और हम सुबह से दोपहर तक सोते हैं ना, तुम्हारी तरह भाई ये सो के उठी, उसके आधे घंटे बाद मैं सो गया और अब मैं जाके अभी मैं उठा हूँ, 4:30 बज रही है। यानी देखो क्या बने आज हमारे घर में, गर्मा गर्म मैंने बनाया क्या है, ये पनीर पकौड़े। अच्छा पनीर पकौड़े गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत आज पनीर पकौड़े चाय बनी, मौसम बहुत सुहाना है। मैं बोल रहा था ना कल की ना यार बारिश नहीं हो रही तो कुछ खाएंगे, आज फाइनली बारिश हो गई तो मैंने इसको बोला कुछ अच्छा खिला दे। तो अभी पनीर पकौड़े बने, प्याज के पकौड़े भी बन रहे हो मम्मी के लिए, मम्मी का बेटा कुछ नहीं है क्या? तो आपको तो पनीर के ज्यादा पसंद है तो आपके लिए पनीर का बना दिया। मैं दोनों खाऊंगा ना, तो बन रहे हैं वो भी, तो अभी दोनों पकौड़े खाऊंगा। बढ़िया, ये टेस्ट करके बता दूंगा इसमें कैसे बने हैं, ये अच्छे ही होंगे, मैं कुछ खराब बनाती नहीं हूं। नाइस, रेस्टोरेंट से भी अच्छा है। अंडर प्रेशर तो नहीं बोल रहे तुम्हारे खाने का? मैं कभी आज तक अंडर प्रेशर तारीफ करी है? मैंने हमेशा ही बोला ना खाना तो बहुत ही बढ़िया बनाती है तुम। गर्मा गर्म मस्त मस्त पकौड़ियाँ खा के आया हूँ मैं। आए हाय 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 हाय, प्याज की पकौड़ी, पनीर पकौड़े, ओ हो 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 हो, पेट को मेरे तृप्ति मिली है। 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। नहीं सही में अच्छी थी भाई, और तुम्हें नहीं अच्छी लगी तो मैं क्या करूँ, मैं खाती नहीं, मुझे बहुत प्यारी। ये तो क्या बनाते बनाते ना थक जाती है खुद ही, वो तेल 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 हो जाता है इसके दिमाग में, तो और नहीं खाती। तो भाई मेरा तो खाया बढ़िया मस्त खा के आया हूँ एकदम मस्त। और अभी टाइम हो चुका है 7:15 हो रही है और 15-20 मिनट बाद हमारी स्ट्रीम चालू हो जाएगी, सो हमने उसको शेड्यूल कर दिया है। एंड बस एक बार पूजा कर ले जाके नहाई है अभी, जस्ट मैं नहा के फ्रेश हो चुका हूँ इसलिए मैं पूजा नहीं करूँगा। तो ये जा रही है अभी पूजा करके आएगी, पूजा कर ले उसके बाद फिर हम लोग हमारी आज की स्ट्रीम चालू करेंगे। 2 दिन से हमने स्ट्रीम भी नहीं करी, एक दिन तो लाइट का, एक दिन लाइट का चक्कर और एक दिन कल हमें काम करना था पूरे दिन। हाँ। और आज भी ऐसा ही सीन था, सुबह से बारिश हो रही थी बढ़िया और उसके बाद फिर क्या हुआ, वाईफाई वाईफाई का कनेक्शन ही बंद हो गया था आज, 3-4 घंटे वाईफाई का कनेक्शन नहीं था। मम्मी से पूछ, मम्मी आपका वाईफाई चल रहा है? मम्मी कह रही हां मेरा तो चल, मम्मी कह रही हां मेरा, मैं कहा कहां चल रहा है मेरा, कह रही मैं सीरियल कहां से देख रही थी, फिर मैं कहा अच्छा मतलब आपका तो चल रहा है, मगर मेरा बंद हो गया। नहीं आया फिर, अगर तब तक फिर हमने अभी चेक करा थोड़ी देर पहले, अभी 6 बजे के आसपास वाईफाई हमारा वापस आ गया, तो हमने कहा चलो भाई आज स्ट्रीम कर लेते हैं। 2 hours later. जस्ट थोड़ी देर पहले अभी स्ट्रीम में खत्म करके आया हूँ एंड आज की स्ट्रीम बहुत ही घटिया हुई है, मुझे बहुत गुस्सा आया स्ट्रीम पे आज, इरिटेट हो गया, 4 बार मर गया इसलिए 2 बार इसलिए बीच में मुझे लगा मेरी वजह से फ्रस्ट्रेट हो यार, मैं खेल नहीं पाती इतना अच्छा। अरे तुम खेलने वैसे भी मर रहा था, एल्गाटो बार बार अटक रहा तो चक्कर में गुस्सा आ गया, तो गुस्से में इसका कोई परमानेंट सलूशन नहीं है एल्गाटो का? पता नहीं कुछ भी नहीं, आज बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग डे था मेरे लिए,
सो अभी प्लान ऐसा है और इनको मैंने इनका फ़ोन आया मेरे पास, ये कह रही है हेलो हाँ कि खाने का क्या करना है, तो मैं कहा हाँ आ रहा हूँ ऊपर अभी खा लूँगा, मुझे लगा बना लिया होगा ऊपर, बीच में आ गई थी उठ के और ऊपर आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ ये भैया और एक वो देखो मैडम नहीं ये देखो ये रही, ये दोनों जन बैठ के सीरियल देख रहे हैं जब से आप, मैंने बोला खाना आप बोले आ रहा हूँ, मैंने कहा नहीं आओ मत खाना, ये दोनों ने खाना नहीं बोला, अब कह रहे हैं बाहर से मंगाओ। यस सो अभी मैंने खाना ऑर्डर करा, बाहर से आ रहा है। आज छुट्टी है तुम लोग, किस दिन छुट्टी नहीं होती है, कल भी तो मैंने पूरे दिन बाहर ही खाया था, कल बस मेरे से आप किराया लेती हो, आज फिर लड़ाई होगी आपसे मेरी। आज इन्होंने पता क्या चलाकी करी, कल ही तुमको बोल रही थी ना कि किराए का राशन वाशन का पैसा भरने, आज क्या है जिसके यहाँ से किराया वो राशन आता है उसका कुछ अमाउंट बैलेंस बाकी था, तो इन्होंने मेरे को बोला कि उसको पे कर देना, पापा आएंगे ऑफिस से तब उनसे ले लेना, मैं कहा ठीक है और गया मैं 8,500 रुपये उसको पे कर आया है। अब ये कह रही है मेरे को क्या कि राशन तुम्हारी तरफ से ना एक महीने का, सही है मम्मी सही है, जो आपने मेरे साथ गद्दारी करी है ना मेरे आने की वजह से आपका नुकसान हो रहा है, ये लो 100 रुपये, ये भी उन्होंने दिए, ये 100 रुपये नोट है जो मम्मी ने मुझे पहली बार दिए थे, है ना, तो मैंने उसे अभी तक रखा है। वेरी गुड, अब चलो भाई खाना आता है, खाना खाते हैं एंड उसके बाद फिर से आज हम लोग पूरे दिन जैसा कि आपने देखा सोए हैं, तो आज रात को फिर से भैया थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा, काम करके, लेकिन मैं सो जाऊंगी, मैं सो जाना और कल जिम चलना है तुम्हें, ठीक है, नहीं 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 कल जिम जाएगी मम्मी, अगर ये कल जिम नहीं गए ना मम्मी तो उसको यहीं से नीचे फेंक देना, मेरी फीस थोड़ी नहीं जमा हुई है, मैं तुम चलो तो सही मैं जमा करा दूंगा, तुम चलो। खाना तो बनाया नहीं इसने तो मुझे बाहर से मंगाना पड़ा, प्लान था क्योंकि मुझे ये खाना था, तो इसलिए हम लोगों ने मंगाया है बाहर से सोया चाप एंड रुमाली रोटी बटर में प्याज विद चटनी एंड तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मुझे भी दिखाने लगे हो साथ में, है ना। ये देखो गाइस 2 हफ्ते में मैं एपिसोड नंबर 201 पे पहुंचूंगा, 2.5 हफ्ते में, सोचो इतनी तेज देख रहा हूं, काफी तेज हो रहे हो, रात के 12 बजे इसकी हरकत देखो, एक मौका और दिया। नहीं 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 मैं ना वॉशरूम जा रहा था फ्रेश होने, तब तक सामने से भाग के आई और उसमें घुस गई और मुझे जाने नहीं दे रही, कह रही जाके दिखाओ, किसी को तुम फ्रेश भी नहीं दोगी रात को, मेरे अंदर ये है क्या, अरे तो उठाई तो हूँ मैं, भाग क्यों रही हो, सुन रहा हूँ ना ब्लॉग में, सुनाओ तो सही सबको क्या सुनाना चाहती है, इधर आओ इधर इधर ब्लॉग में सबको सुना, इस जिंदा गैंडा से मैं नहीं जीत सकता, देखो कैसे गुजार रही है, जाके जा रही नहीं दे रही बाथरूम, जाऊंगा रुक जा रुक, मैं जाऊंगा नहीं तो मैं बाहर से एग्जॉस्ट ही बंद कर दूंगा, तुम जाओ उसमें, फाइनली गाइस कड़े संघर्ष के बाद मैं फ्रेश होके आ चुका हूँ, मैंने दया कर दी, मैंने कहा भी यही फालतू में दया ने जेठालाल पे दया कर दी तो कोई नहीं गाइज मैं जाके फ्रेश हो आ चुका हूँ। एंड गाइज एक और डिस्कशन हम लोगों को आपके साथ करना था, वैसे तो आप लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल देख लिया होगा पढ़ लिया होगा, लेकिन हम तब भी आप लोगों से राय जानना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारे हर अच्छे बुरे में आपका हमारा हाँ बिल्कुल आपका ओपिनियन हो बिल्कुल। सो हम लोग सोच रहे हैं मेरे बर्थडे पे बाइक लेने की, मैं सोच रही हूँ इतने पैसे लगा के और जो उनके यूज की ना कोई मतलब आई डोंट बिलीव इन सरप्राइजेस, अगर आपको सरप्राइजेस देने तो लाइक चॉकलेट्स ले आओ, रैंडम फ्लावर्स ले आओ, और क्या जैसे मैं लाता हूं कर लो खाना वाना, हाँ आगे आगे तो बोलो बोल बंदे ना ट्रिगर हो जाऊंगी गाइस, ट्रिगर हो रही हूँ मैं बहुत ज्यादा बेटा, वो एक ड्रॉअर भर के तुम्हारे वो सब चीजें पड़ी हुई पहले वो हाँ। टाइम था वो तो, टाइम था मुंह मत खुलवाओ तो पहले व्यूज आते थे ना व्यूज नहीं आते व्यूज के लिए करा सब जो भी यस सब करा व्यूज के लिए करा मैंने यही तो लोग बोलते हैं सब व्यूज के लिए कर रहा था व्यूज के लिए तो कर रहा हूँ मैं तो खुद क्यों बोल रहे हो लोगों को बोल रहे थे ना कोई बात नहीं छोड़ो ये सब तो बात है बाकी हमारा यही प्लान है हम लोग बाइक लेने की सोच रहे हैं लेकिन हमें अभी कंफ्यूजन है कि हम कौन सी बाइक लें लेंगे हम एडवेंचर एंड टूरिंग बाइक ही स्पोर्ट्स बाइक और उसमें इंटरेस्ट नहीं है अभी हमारा मुझे तो ज्यादा नॉलेज नहीं ये जो चीजें हैं 3-4 बाइकें हैं अभी हमारे माइंड में तो वो सब हम देखने जाएंगे एंड वो आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा कौन कौन सी बाइक हम फाइनल करने वाले क्योंकि एक बार मैं यशबिया से भी डिस्कशन करूंगा इस बारे में फिर हम लेंगे उनका है हाँ तो हम लोगों को क्या आइडिया लेके फिर देखेंगे इधर उधर जाके बाइक और फिर जो हमको हमारे भाई बजट में पड़ेगी एंड जो हमको सूटेबल हमारा बजट है 5 लाख के अंदर
5 लाख के अंडर हमको टूरिंग बाइक लेनी है। अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं सरप्राइज ही दे दूंगी। तो कौन सा कैश में ले रहे हैं, ईएमआई पे लेनी है। तो गाइस देखते हैं कल जाएंगे हम लोग, बाइक देख कर आएंगे कोई ना कोई। कल जाएंगे? हाँ कल चलते हैं, देख लेते हैं यार। अब आज ये देखो 26 तारीख हो गई है, अभी तीन चार दिन 25 अगस्त के पहले चाहिए। 25 अगस्त को चाहिए, उसी दिन लूंगा मैं तो। मेरे बर्थडे पे जाके पहले बाइक लूंगा, और क्या करना है। पौड़ी नहीं करोगे? पौड़ी तो कर लेंगे पूरे दिन। फार्म हाउस नहीं जाओगे? फार्म हाउस नहीं जाऊंगा भैया, मेरा हो गया फार्म हाउस। 12 माउस से अब इच्छा नहीं होती भैया कहीं जाने की। अरे भाई थकान लग जाती है यार, अब भैंस के शरीर में उतनी हिम्मत नहीं रहती फार्म हाउस जाने की। सो अब देखते हैं, जाऊंगा बाइक लेकर, बाइक लेने भाई बर्थडे पे लूंगा मैं तो। एंड 3-4 दिन अब लगेंगे हमें डिसाइड करने में, फिर बुकिंग करना, और फिर भाई कम से कम भाई 8-10 दिन तो लगेगी देने में उसको, कोई इतनी महंगी बाइक लेंगे तो इसलिए एडवांस में अपन करके चलते हैं ना, बाकी एंड टाइम पे। और फिर अभी देखना भी, अभी उसमें भी टाइम लगेगा डिसीजन बनाना, क्या डिसीजन बनाने में एक हफ्ता लग जाएगा हमको, कौन सी बाइक लेनी है क्या करना है। तो देखते हैं, बाकी चीज आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगी क्या हमारा डिसीजन रहता है, क्या हम लोग करने वाले हैं। एंड सजेशन जरूर देना कमेंट सेक्शन में कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए हम लोगों को। आप लोग भी देना, तो उसमें से जो मतलब टॉप 5 हमें हमारे बजट में होगी तो हम उनको देखेंगे, फिर हमें जो सबसे सुटेबल पड़ेगी वो हम ले लेंगे। सबसे बड़ी चीज होती है अवेलेबिलिटी, और गाइस बाइक खाने के बाद हमारे मोटर ब्लॉग्स स्टार्ट हो जाएंगे, बैक टू बैक ट्रिप्स होंगी, मोटो ब्लॉग्स होंगे, फिर हम लोग मिक्स ट्रिप करेंगे बाइक से भी कार से भी, ऐसे ऐसे करेंगे, सारी मिक्स होगी तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। एंड हो सकता है जैसे आप लोग अगर प्यार दिखाते रहोगे डेली व्लॉग्स को इनको, तो ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी रेगुलर आ जाएंगे भाई, क्या पता हम लोग घूमने निकल जाएं और 1 महीने तक घूमते फिरते ही रहें, वापस ही ना आए घर पे, फिर हम लोग 2 महीने घूमते रहें, फिर ऐसे करके हम पूरा इंडिया घूम लें। कोई नहीं, ये सपने मैं देखता जा रहा हूँ, अब आप ही लोग इनको पूरे करा सकते हो। चलो तो देखते हैं क्या होता है। एंड अब हम लोग चलते हैं भाई सोने, क्योंकि नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी, 1 बज गई है रात के। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो चलो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते हुए जाना, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। बाय।